तोड़ के नहीं आया अंदर? नहीं गेट खोल, अबे साले खोल किया अच्छा है गवर्नमेंट वाले ही खोल सकते हैं इसको बस। अच्छा चलो सर आ गया मैं। आ गए, एमडीटी तो खोल लो, एक्टिविटीज में दिख ही नहीं रहे हो। खोल लिए ना, जूता वो सही लग रहा है तूफान बदल लो। पैंट के साथ, इतना भी फॉर्मल मत जाओ भाई। अरे वो फट गए थे मेरे जूते और पैंट। फट गए थे तो हाँ सिलाने दिया भी नहीं। उसी 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 टाइप का फिर से खरीद लेना, नया पैसा हाँ इससे ले लेना, रियो वाली से। ठीक सीनियर है तुम्हारा, कुछ तो देगा ना, ज्ञान तो देगा नहीं, पैसे ही देगा। है कॉर्पोरल बनने क्या दे, बात इसकी लेता हूँ, डालूंगा एफटीओ में इसको। है। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। कॉर्पोरल के लिए आएगा ना तो यही आंसर मेरा रहेगा। एफटीओ के लिए नॉट इंटरेस्टेड, बाकी चलेगा मैं हो गया आगे। इंटरेस्टेड, मेरे को जल्दी बनने दो कॉर्पोरल। इतनी भी जल्दी नहीं बनोगे भाई, हाँ वो तो है, बट अगर मैं बना तो मैं बनूंगा एफटीओ। कहाँ जाओगे? एलएसपीडी की बीसीएस हो। एलएसपीडी कल से, कल ही तो आपसे बात हुआ, आप ही तो अच्छा बन बात, रहे कल अच्छा एलएसपीडी हाँ, ज्वाइन अरे करो। हाँ मेल पे हुआ था मैं साले। मेल पे, सॉरी सॉरी। इसको इसका बाल देख के खौफ का याद आ रहा कौन मुझे। सी सर्वर है? बीआरपी, बीआरपी दिखा कॉर्पोरल तो बनने में है। कितना क्राइटेरिया टाइम लग जाएगा? 2 दिन? कंप्लीट की तूने दो सीनियर ऑफिसर दिन की? क्या क्राइटेरिया है? वही ना, स्पीड लाइसेंस चाहिए किसी भी, उसका भी ये ट्रेनिंग लेंगे एफटीओ या थोड़ा। कुछ ऐसे कुछ था। नहीं, एफटीओ तो कॉर्पोरल के बाद था, कॉर्पोरल बनने के बाद एफटीओ बन के 5 कैडेट सिखाने थे शायद। ऐसे ही गुप्ता पीटर और शिखर कर रहे हैं, है कि नहीं? शिखर अपना या पीटर जोड़ है भाई, पीटर एक नंबर बंदा है। पीटर शिखर सर ने नल्ला कर, है, निचके दोनों दोनों भाई अपना टाइम लेते हैं लेकिन करते हैं। शिखर है बोलने की निचके जरूरत नहीं, बस भाई। एक बार टैग कर दो, पट देना बुला के बंदे, एकदम पट पट ट्रेन करके हटा देते। मेरे बेसिकली को तो उनको जैसे पता चलता है परमानेंट, किधर को ट्रेनिंग चल रही है मैं चला जाता हूँ। मैं तो परमानेंट रख दिया उनको एफटीओ, दोनों शिखर है निचके परमानेंट है भाई पूरा। रहे। पीटर सही है। सीकर में सुन, सीकर में मेरी थोड़ी सी है एटीट्यूड और श्रीनाथ की एटीट्यूड, मिक्स है वो। अलग ही चीज था जहाँ भाई जहाँ बंदा। डांटना होगा वहां डांट देगा भाई वो भयानक, और जहाँ काम डाउन रखना होगा काम डाउन रहेगा। मिक्स बंदा है। तो मेरा कॉल साइन अभी मिलेगा या बाद में? ऑफिसर बन जाओ तो ले लेना कॉल साइन, ऐसे अपना नाम बोलो अभी। क्या सी बोलने में अच्छा लगता है यार। ये क्या है? सीए बबलू जी थोड़ा पागल हो आइडिया गया। नहीं है ना। ये बबलू बवंडर पीडी में था पहले, पता है जिस दिन उन्होंने बहुत बड़ा कांड किया था ना और पूरे हो गए थे, उस दिन हमारा गोली पहला दिन गो, था। गोली गोली चला के पता नहीं क्या हुआ था। जाके आईए वाले बोल रहे हैं क्या सबूत है कि इन्होंने गोली चलाई है। मैं रहता ना, मैं बोल देता अभी यहाँ पे ठोकोगा, क्या सबूत है कि मैंने गोली चलाई है। बराबर। आज ही काउंटर गया था। हार्डली सीख जाओगे बे तुम भी, समझ रहे हो? क्या करना? पहाड़ पे घूमना हेलीकॉप्टर लेके, बिल्कुल ए फोर्टी सेवन बिल्कुल। और हम सब यस कर चुके हैं। कर चुके हो? अरे बहन जो मेरे से भी आगे तुम चल रहे हो, बहुत आगे जाओगे बबुआ, लग रहा है लुटेरे पहुंच जाओगे एकदम। सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरल, कॉर्पोरल के बाद सार्ज, सार्ज से मजा आना चालू होता है, सच बता रहा हूँ। सार्ज बनोगे ना अच्छा, तो भाई वाइब्स, और सर्जेंट, सर्जेंट के बाद एलटी, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट भी कह सकते हो प्रोनाउंसिएशन अपना, वाला, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन, फिर हाई कमांड ना। कैप्टन ही हाई कमांड से। तो अच्छा फिर एसएसपी सीधा। बहुत ज्यादा सोच के बैठ गया। सबसे लेकिन भयंकर तेजी में प्रमोशन जेसन वाला मेरा ही भोसड़ी हुआ का, है। जेसन भोसड़ी का बोल रहा है, अबे साले हम कॉर्पोरल से शरीफ पहुंच गए, तुम बतिया रहे हो अपने बारे में। सीनियर
डाई टू 301, डाई टू 202, 202 डियो कॉपी उठ गया क्या भोसड़ी का? डाई टू जेसन डियो कॉपी साला 1.1 पे आया ये तो. हम ही घूम रहे अलग. जेसन बेटे, जेसन पापा को रिप्लाई दो. जेसन क्या मतलब बॉडी कैम ऑन है? अरे तो भैया हम रेडियो मेन रेडियो पे थोड़ी बकचोदी कर रहे हैं. ओ भी है तुम हमें धमकी दोगे साले यार. नॉट इंटरेस्टेड. किनके बाहों में रातें गुजार रहे हो? मारी मम्मी बैठी है, बोल रहा है मेरा बेटा कैसा है, उसको जवाब दे रहा हूँ. आ रहे हो ऑफिसर्स बैठे भाई रेडियो पे, डिकोरम मेंटेन करो. मैं बोल रहा हूँ कब आएगा वो कैडेट, लेके आ रहा है कि नहीं? आज बैच दिया ना तो सो के आ रहा है. तुम्हारे साथ सब सोते ही. तभी तुम्हारी मम्मी रे बोस चिल्ले चिल्ले सर, कोई दिक्कत नहीं. ये लोग श्रीनाथ से नहीं मिले ना इससे. एलएसपीडी का पुराना चीफ से तू लोग नहीं ना मुलाकात किए थे कभी आज तक? ना मेरा भाई करता था बहुत भाई, वो 24 घंटे सीरियस मूड में रहता था. पता नहीं कौन सी बवासीर की प्रॉब्लम थी उसको रियल में, मतलब आईआर में. पंकज सर ने रिजाइन दे दिया था फिर वापस है क्या? कुछ नहीं साला, केस वेस करने का ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं नल्ले से. अरे और लगे चलते हैं भाई, वो उनका 99 बुला के पर्सनल गॉसिप पे. हाँ 99 बुलाएगा, बोलेगा 2600 वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप जाइए आपका 99 नहीं है. हॉस्टल के बैठ जाएंगे तो क्या, बैठ जाएंगे तो क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खबर दे देंगे भाई. ये चुपचाप मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगता था. मैं 2600 में 99 देता था, एलएसपीडी वाले भी आ जाएंगे, एसएसपी वाले भी आ जाएंगे. कांड होते थे ना, ये क्या नाम है वो कर्तव्य था ना, ये मस्त ग्राइंडर चलाता था ठीक है, यही कराता था यार. कर्तव्य सर का तो भाई ड्राइविंग एकदम. अरे अल्लाह तो क्या बोल रहे हो भाई, उसकी ड्राइविंग और सलमान भाई की ड्राइविंग में अंतर है क्या? वो पी के फुटपाथ पे चलाते हैं, वो सुबह वो फुल होश आवाज में चला रहे हैं. ये हैट्स बढ़िया है शरीफ वाले, नहीं अली पुलिस वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं. सांप पाल तो मुझे नहीं दिए सांप पाल. अरे नहीं नहीं अच्छे ही वाले इसमें ये आर्ली मेरे को सोचने में आ रहा है ज्यादातर बीसीएसओ में इसीलिए कि स्पीड में प्रमोशन मिलता है. मैं चाहिए तू ये बातें क्यों फैल रही है ये वाली? कौन सी बात है? बीसीएसओ बंदे इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको स्पीड में प्रमोशन मिलता है. बहुत सच है क्या पता नहीं, मैं तो कल टेस्ट दूंगा स्पीड वाला. अच्छा वो स्पीड में हाँ ये तो है, नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो था ना एक ऑफिसर प्रेजेंस कि हाँ बंदा है सिचुएशन हैंडल कर रहा है जो चीज है वो देख के पता चला जाके अटेंडेंस फेल दे रहे हैं उधर 9-9 घंटे की और यहाँ एक सिचुएशन में दिख नहीं रहे. इतना सच नहीं बोलना था. मैं देखता कुछ बंदे पता है डालते भर भर के 8 घंटों में, मैं दिखता ही नहीं है भाई को. सब मोह माया है. जैसन आया वो सो के 10-4 इज विथ मी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. हाँ मेरे को पता वो तेरे साथ ही होगा. जल्दी खत्म कर. क्या मतलब 2 मिनट और लगेगा? उद्बल पांडे सुनो अरे नोटी मैं बोल रहा हूँ कहीं रिस्पॉन्ड नहीं करने का, अभी पीडी ट्रेनिंग में बिजी है. हाँ अरे नया कैडेट उनका नाम जॉनी विल्सन है ना? यस सर. सर आपका कॉल साइन तो CB5 है. आपको कैसे पता? MBT खोलिए. इसको देखो आपको रोस्टर में चाहिए? पेपाल थोड़ी है. रोस्टर में एकदम नीचे चाहिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. एक सेकंड. MDT में कहाँ पे? मैं तो भाई PCSO में गिले चुने ऑफिसर थे.
लेफ्ट साइड उसका भर गया एकदम से रोस्टर दिख रहा है। हाँ उसके अंदर एकदम नीचे आइए, एकदम नीचे आ गया। मारा देखो CB5 कॉलम है स्टूडेंट्स के अंदर, जॉनी विल्सन। CB5 ओके। यस गेम सेट कर लो। विक नहीं दिखा रहा है, जॉन विक कहां? हां कर लो सेट CB5 ना। यस सेट कॉल साइन। हाई कमांड से फेमस सर है। ओह हायर ऑफिशियल ओरियन बंदर मनादर सर हो गया। बुलबुल पांडे जेसन। मैं अभी जैसे मैं ऑन ड्यूटी आऊं तो डिस्पैच CB5 रिपोर्टिंग ऑन 1041 है ना। या ओके आके बोलो कि हम सूत के आ गए हैं, ऑन ड्यूटी पे आ गए हैं। उसके बाद रेडियो पे कोई सीनियर लुटिनेंट या सर्जन बोले कौन है रही इधर आ, इधर 25 मिनट रिसेप्शन या कैप्टन ऑफिस आए। बोले क्या चीज बोला था तू फिर से बोल। 25 क्या होता है? ऐसे 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 10-4 करता था अपना कर्तव्य। हां 10-4 सारे को सस्पेंड कर दिया ने वो दंदा है ना। मैं सुन लिया ना किसी का हिंदी में आज के बाद कर्तव्य तुमको बोल रहा हूं। वही उसका बात करने का स्टाइल सारा वो एक नंबर टारगेट करने का तरीका था ना एक नंबर। लेता तो मेरी भी था, क्वालिटी तो थी। देख वो स्ट्रिक्ट था लेकिन जहाँ पे कॉमेडी होनी चाहिए वहाँ पे कॉमेडी भी करता था। बैक टू जेसन 10400 ये 1.1 पे 141 कर रहा है। I told him to. I told him to check his voice. Idiot. बगल में खड़े हो भोसड़ी की आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? नहीं ना। आज मैं तो हॉरर हाउस में वो मिला और यहाँ पे लौंडा सब बोल रहा है आओगे तो थोड़ा कुल्फी उल्फी लेके आना गर्मी लग रहा है। क्या दे रहे हो हमको तुम? हॉरर हाउस में से मिला वो। अरे भाई जो ये बवासीर चीज हमको मत दो स्टिकी नोट। जरूर डीजे को बोलो सही करे। हेलो सैंडी शोज के स्ट्रिप क्लब में गांजा बना रहे दिख नहीं रहा ट्रैकर चूतिए। भाई ऐसे ऑफिसर की तो दौड़ जाती मुझे। क्या क्या मतलब ये सीनियर है? नहीं मतलब हाँ ऐसे सीनियर ऑफिसर। क्या सीनियर ऑफिसर आप जैसे कुछ नहीं। क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है बोलना सही है। हाँ तारीफ कर मैं बोल रहा हूँ ऐसे सीनियर ऑफिसर की जरूरत थी मुझे। ज्यादा मत चढ़ना वरना स्ट्राइक दे देता सस्पेंड मार देता हूँ दो दिन बैठे रहोगे घर में। अबे भाई ये फोन फोन अच्छा लग रहा नहीं रहा ये हार्डली एक नंबर लग रहा आईफोन 14। अबे एमओ क्यों नहीं लोड हो रही है? वहां लेने की औकात नहीं है यही चला लो। इतना भी सच नहीं बोल रहा कसम से एमओ लोड नहीं हो रही है। अब उसने तो शॉटगन लेके क्या कर रहा है इधर? अरे वो सिचुएशन हो गई थी तो उठाई थी फिर रखना भूल गया। ए सर पुलिस के ऐप फिक्स हो गई क्या? बहुत अच्छा बना लिया। अभी दिखता है हमारा गाड़ी कहाँ पे स्टोर है? पहले नहीं दिखता था क्या? नहीं पहले नहीं दिखता था। पहले यार मैंने सुबह गैराज में सुबह एसएमजी किस कैडेट को दी थी मैंने? नहीं रुद्रा वाघ नाम था उसको दी थी। मैं कह रहा गन है ना तेरे पास? कह रहा हाँ पिस्तल है। सामने कार्रवाई चल रही है मेरे। कह रहा हाँ पिस्तल है। आगे आगे उड़ा मत देना दो स्टेप अप। कौन नया मुर्गी आया? अच्छा कौन मुर्गी आया साले? तेरी मम्मी ने कभी ट्रेनिंग दी थी तेरे को एयरपोर्ट पे भोसड़ी के? फेस फेस थ्री है भाई। क्या फेस थ्री है? एरोप्लेन का इंजन तेरे गांड में डालूंगा भोसड़ी के। चुप हो जा। खुद जेट के लंड जैसी आवाज है भोसड़ी के तेरे को बोल रहा है। चल जाने तो लौड़े लगा दूंगा इस भोसड़ी वाले पे। इसको सुन लिया क्या? भाई मजाक कर। शुरू करते हैं। आ जाओ लाइट में खड़े रहो कैडेट्स। प्रमोशन के चलो आओ खड़े हो जाओ सामने फ्रंट टू फ्रंट।
क्रेडिट्स तो है। देखो अब जितनी मजाक थी जैसे मम्मी कैसी सुनो जितनी मजाक थी अब हो गई, अब होते सीरियस मोड ऑन। ठीक है मानता हूँ मैं मजाक किया हूँ, मम्मी को एड्स हो गया है। अरे मैं मानता हूँ मैं मजाकिया हूँ, लेकिन ट्रेनिंग अब चालू हो रही है तो थोड़ा आप भी सीरियस हो जाइए, हम भी सीरियस हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किसका फेस वन और फेस टू दोनों हो गया? मेरा नाम तो होगा अर्जुन पटेल। अर्जुन पटेल ठीक है। फेस वन किसका हो गया? मेरा फेस वन थोड़ा सा हुआ था फिर वो ठीक है। चलो फेस वन फेस टू जिसका नहीं हुआ जल्दी से कर लेना, लेकिन फेस थ्री वेकुलर ट्रेनिंग है इसलिए मिल रही है आपको। फेस थ्री लास्ट अर्जुन तुम्हारा ये आज होगा, और फेस फोर में तुम्हारा थोड़ा एक दो दिन देखा जाएगा फील्ड में काम, उसके बाद तुम्हारा वेलकम ऑफिसर ट्रेन हम करें माल ये ले जा रहा है छोड़ो वाला। तो बेसिकली चालू करते हैं। 10 व्हीकल में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोड वन। ओके ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपको जो कार्स अलॉटेड है वो कार्स आपको चलानी है, ऐसी नहीं कि मतलब अलॉटेड है क्राउन विक लेके घूम रहे चार्जर 14 विदाउट परमिशन, उसके बाद वही होता है सस्पेंशन मिल जाता है ऐसा होता है। ठीक है तो जो गाड़ी अलॉटेड वही चलाइएगा, जो डिपार्टमेंट में है वही लिवरी लगाइएगा। एंड विथ योर साइड क्या होता है ना, लाइट्स नहीं लगाते बंदे अपनी गाड़ी के ऊपर, जैसे इस चूते ने नहीं लगाया पीछे मस्टैंग में। हाँ तो लाइट्स लगाना क्योंकि कुछ रंडियों को मालूम होना चाहिए क्योंकि हेडलाइट्स में उसके कोट पे इसलिए पहले से लगा होता है उसमें। फैन खिलाड़े मम्मी को मत सिखा अपने, हमारी मम्मी बैठी थी मस्टैंग में। सीरियस गाली क्यों दे रहा है बे? वो सीरियसली गाली दे रहे हैं। सीरियसली गाली दे रहा हूं। ऊपर इसके हेडलाइट्स में लाइट्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ऊपर लाइट्स नहीं लगाइए। नहीं लगाएंगे बोल रहे हमको शो ऑफ करना है। और बताओ बच्चों से नहीं बात करता, मत करो हमारे बच्चे तो घर में सड़ रहे। सुनिए चलिए हो गया बहुत मजा। ऊपर लाइट्स रखिएगा ठीक है, बेसिकली क्योंकि रात के टाइम आपको पता चलेगा डिफरेंस। ठीक है ओके आते हैं कोड वन पे। बेसिकली कोड वन होता है पेट्रोलिंग। जब भी आप जाइएगा कोड वन पे एडिशनल एक अपने साथ राइड अलोंग ट्राई कीजिएगा कि कोई हो तो ले लीजिए, नहीं है तो अपने से कोड वन कीजिए। कोड वन बेसिकली पेट्रोलिंग होता है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने, स्पीड लिमिट्स में रहना है, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं ब्रेक करना है, दैट्स अ कोड वन। कॉल्स रहेंगे अपना कॉल साइन लेके परफॉर्मिंग अ कोड वन इन विच यूनिट, आपको उस यूनिट का नाम लेना। ठीक है एडिशनल्स है कि नहीं है, एडिशनल है तो एडिशनल्स का कॉल दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है कॉल्स ऐसे रहेंगे 301 परफॉर्मिंग अ कोड वन इन अ चार्ज 18। अब एडिशनल है तो मैं एडिशनल का भी लास्ट में एडिशनल वन लगा दूंगा। ओके कोई किसी को कुछ इस पे क्वेश्चन? नो फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन? नो जैसा तेरा जिप नीचे ऊपर रख मम्मी से मिल गया तुम्हारे आते फिर मम्मी। अरे चलो कोड टू बेसिकली आप कोई चीज मान लीजिए आपको सिग्नल तोड़ना है बेसिकली। ठीक है और इनको अगर जो न्यू गाइड है जिनको पता नहीं कोड टू उसका क्या क्या कोड टू जो नए कैरेक्टर्स है उनको अगर पता नहीं है कोड टू है तो क्या उसको फिर क्या उसका एक्सप्लेनेशन? नहीं समझा क्या बोल रहा है? अरे कोड टू बता दो जिनको नहीं पता ये कर। हाँ कोड टू बताओ ऐसे प्रैक्टिकल बताओ, थ्योरी में मत बताओ क्योंकि अरे बता दूंगा भाई प्रैक्टिकल गांड में घुस रहे हो, ये सब साले कोड टू भी करके ना आया दिख नहीं रहा क्या तुम? ये अबे मैं जो रहा उसकी बात कर रहा हूं। किसकी? बीच में जो कढ़ाई पर है। अरे करा रहा हूं। हां कराओ ना तो मिल बेटा तो बात। कोड टू बेसिकली लाइट्स ऑन होता है, बेसिकली अगर आपको सिग्नल्स ब्रेक करने हैं तो आप कोड टू पे शिफ्ट हो जाइए, बेसिकली लाइट्स ऑन होता है। करते कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले थ्योरी। क्या बोला कोड टू कब यूज होता है? स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए। तू बता कब होता है जरा बताइयो। स्पीड लिमिट तोड़ने को? अरे सिग्नल तोड़ने के लिए और कहीं रिस्पॉन्ड। अच्छा तो मेरे को अगर मान ले मैं लीजेंस से गुजर रहा हूं मेरे को वो ट्रैफलेट पसंद है तो मैं कोड टू करके तोड़ दूंगा। तोड़ेगा तो मैं तेरे को तोड़ूंगा ना भाई, मैं तो जा रहा हूं भाई। कैसे चल भाई चल चटक भोसड़ी। सुनो सिग्नल तोड़ना है तो कोड टू में रहना है। ए मारना मत तेरी माँ की। सुनो आप कहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको सिग्नल तोड़ना होगा, कॉमन सेंस की बात है। कोड टू पे ही तोड़ोगे ना? चल जा भोसड़ी का ना गांड मार दूंगा। अब रहा बात कोड थ्री पे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो? कोड थ्री क्या होता है? बेसिकली लाइट और साइरन दोनों ऑन होते हैं। ठीक है बेसिकली
अरे भाई क्या मतलब आज ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, विधवा बनवाना है क्या भोसड़ी के अपनी मम्मी को? मारने का बकचोद भागता नहीं तो साला ट्रेनिंग दे रहा बकचोद ही फेल। सुनो अब तुम करोगे, अब तुम कहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुमको जल्दी से पहुंचना है, तुम स्पीड लिमिट भी तोड़ोगे आप, तो तुम जाओगे कोड 3 पे, ठीक है? क्यों कोड 3 पे? बेसिकली सायरन्स और लाइट दोनों ऑन होते हैं। मान लो तुम कहीं स्पीड में सिग्नल तो तोड़ दिए कोड 2 में, तुम जान रहे हो कि तुम कोड 2 में सिग्नल तोड़ रहे हो, बगल से बंदा जो आ रहा है जिसका ग्रीन सिग्नल हुआ है वो तो अपना ग्रीन सिग्नल पे जाएगा ही ना। अब उसको तुम सायरन नहीं सुना, सायरन उसको सुनाई नहीं देगा, वो तुम्हारे आगे आता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, गलती किस करेगी? तुम्हारी रहेगी। तो कोड 3 पे रखोगे, सायरन ऑन रहेगा, सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि पीडी है या ईएमएस वाले हैं, जा रहे हैं स्पीड में, तो रुक जाता हूं। बराबर, गॉट इट? गॉट इट। कोई क्वेश्चन? नो, ना। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं बता दूं। अब आते हैं कोड 4 नहीं बताऊंगा, कोड 6 बताता हूं। मान लो तुम लोगों ने चेस चालू की, ठीक है? चेस का कोड होता है 80, ठीक है? 80। यस यस। अब वहां पे तुमने चेस चालू की, कोई भी, मान लो स्टोर रॉबरी से चेस चालू हो गई, मान लो ट्रैफिक स्टॉप से चेस चालू हो गई, कहीं से भी चेस चालू हो गई, मान लो इसकी मम्मी भाग गई गाड़ी में, तुम चेस दे चेस होनी चाहिए, बस चेस चालू हुई। अब चेस चालू हुई, मान लो तुम्हारा विजुअल लॉस्ट हो गया, ठीक है? तो व्हाट विल यू डू? यू विल परफॉर्म अ कोर्स, इज बेसिकली सर्चिंग द एरिया अराउंड 500 मीटर्स, गॉट इट? ठीक है। अब ये नहीं कि सारा LSIA में गायब हुआ, हम चल गए वाइनवुड, समझ गया, समझ रहे हो ना? फिर वो फिर तो ऐसे तो हम सैंडी सोच भी चले जाएंगे। सर एक बार रिपीट करेंगे, सुना नहीं मैंने ठीक से। ठीक है, कोड 6 ना, कोड 3 में? हां, कोड 6, कोड 6। हां, कोड 6 बेसिकली सर्च द एरिया होता है, मान लीजिए कहीं अरे कोई जरा रुक जा, कैडेट है 342 विक्की कैडेट है क्या? हां, अरे बुला 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 जल्दी, पीसी से कोई तुमको नहीं मालूम? कब से कैडेट है भाई, प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हो इन लोगों को? आ रहा है वो ऑन द वे, उसका ट्रेनिंग फेस ये लोग ज्वाइन करेंगे तब दूंगा ना मैं, क्या गुलाब जामुन है क्या, गिला के रसमलाई काटा कुछ पता नहीं चले, ये चूतिया बोलेगा कैसे ऑफिसर्स भेज रहा है इनको, कुछ पता ही नहीं है, मेरे को सुनाने के लिए बैठा है ना घर वाला। क्या रसगुल्ला तेरी मम्मी ने खाई थी भोसड़ी कभी? मम्मी पे गुजारा बहचोद। ये सर चीफ है क्या अपने एलएसपीडी के? असिस्टेंट चीफ है, नल्ला साला जूनियर बज रहा है। लंड को सीधा करने के लिए बजना ही पड़ता है। हाँ तो लेके हाथ में हिला लेना भोसड़ी के, सीधा हो जाऊंगा। ये दोस्ती अच्छी लग रही है एलएसपीडी और बीसीएस साथ में। कैप्टन का शौक नहीं रखते ना, पिस्टल का शौक नहीं रखते हम। जब चलेगी ना गांड में दूसरा छेद हो जाएगा। हाँ मालूम है। दोस्ती हो तो ऐसे। अरे दोनों बीसीएसओ में कैप्टन थे भाई। जिसको जहाँ जगह मिला वो बन गया। बुला ले उसको भाई, मेरे को सिखाना आ रहा है, आ रहा है। बिरयानी बना है घर में, चिकन खाना है। सर आप कोचिंग रिपीट कर दो। तेरी मम्मी ने बनाई ना? मैंने ही बोला था बना ले, आ रहा उसको ले। बिरयानी ऑफिसर ले गया यार, यहाँ से भी तो रास्ता है। छोड़ो यार, यार ये टाइम पे आते नहीं है, बारी बारी आ रहा है। यार विक्की उसकी हो गई है सर ट्रेनिंग में। अच्छा फेज 3 कौन है ये विक्की? यार मेरी तो बस फेज 1 हुई थी, एसओपी बता दिया बस, मतलब एसओपी नहीं बताया सब कुछ। तुम भी ज्वाइन करके रखो, तुम्हारे लगे हाथ हो जाएगा। क्या मतलब है सीनियर? करते कैडेट, सुनो कैडेट। नहीं नहीं वापस आ गए, लग जाओ तुम भी लग जाओ। ये हमारे डिपार्टमेंट के शेरशाह हैं। एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। विक्की इसके बाद यूनिफॉर्म ये कर लेना, वो बीसीएस का। हाँ वो बताया था, बट वो मेरा काले जादू की वजह से वो ये वापस हो गया। ठीक है ठीक है। Hmm.
और सनसेट देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। रात हो गई इसकी इसकी। हमें टेन कोच ये सब मिल सकते हैं मेल पे? वो मेल पे है और रोस्टर पे देखो। अच्छा अच्छा सर। 5 मिनट वेट। नहीं रोस्टर से निकाल दिया अभी, डॉक्यूमेंट में जाओ आप मेल पे। डॉक्यूमेंट में जाके आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट में ही होगा ना? हाँ गवर्नमेंट वाला। सर आपके का नाम है एलएसपीडी असिस्टेंट चीफ ऑफिसर जेसन पार्कर। ओह जेसन पार्कर है आप। और कोई कैरेट है? कितनी है? इतनी है शहर में तो इतनी है। हम रुके किस लिए? वैसे चुलबुल सर है दिमाग में। अच्छा अच्छा मेरे को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है बोल लेना। एक काम करो इधर आओ। क्या बोलो? अरे सुनो ये ना पूरा रिकॉर्ड कर लो, इनको मेल कर देना। मेरा रिकॉर्डेड है ऊपर मतलब। हाँ तो इसको मेल कर देना तुम देख सकते हो रिकॉर्ड करके। हाँ ओके बाद में मेल कर देना। ठीक है मैं तो जाना पड़ेगा।
बहुत गहरे दिमाग में गया है। शेड्यूल बैक ऑफिसर्स? नो सर। ऑल राइट, सो व्हेन ही कम्स बैक टेल हिम आई एम 42 10 10 4 अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये कौन सा डांस था भाई? वापस दिखा रहा हूँ सर, ये बड़ा खतरनाक डांस है। आपको फीट आती है क्या? अरे आ गया आ गया आ गया। हेलो। हाँ हाँ। चार कैडेट थे ना? हाँ एक हाँ, एक को अर्जेंटली 10:42 जाना पड़ा। इसको जाना था? जो आज ही आया था। आ जाए थे तो बीच में? हाँ सर, आज बीच में था। क्या नाम था उसका? पता नहीं, नाम तो भूल गए। अर्जुन था क्या? अर्जुन तो अरे अर्जुन तो मैं हूँ। और अब तो वो ना जॉनी, जॉनी। और ये तो वो है फिर सर, विक्की सर, विक्रांत के भाई हो ना तू? जी सर बिल्कुल 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 सर। ठीक से काम करो, मैं कंप्लेंट कर दूंगा उसको। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे से काम करना। पूछ रहा था मैं से कि क्या हो रहा है उसका, मैंने बोल दिया कि ट्रेनिंग होने का नहीं रहा। सर नहीं, मैं तो ट्रेनिंग पर आता हूँ, हमेशा आता हूँ। पता है क्या? ठीक है चलो, मैं शुरुआत करता हूँ, स्पीड में करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, इन तीनों का नाम नोट कर ले जरा। एक बार ना तुम लोग मेल के जनरल पे, गवर्नमेंट के जनरल पे लिंक मेरे को बस टैग कर दो तीनों। ठीक है, क्या कर रहा है? कोड्स बंद कर रहा है और रहने देना, अच्छा तो लग रहा है। डन। डन। कौन से मेल पे किए हो? गवर्नमेंट के। यस। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है। यार सर आ रही है। शुरुआत में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोड वन बेसिकली पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, इंक्लूडिंग स्पीड लिमिट्स एंड सिग्नल्स। ठीक है जी सर। कॉल्स रहेंगे आपका कॉल साइड परफॉर्मिंग अ कोड वन, और कौन सी यूनिट है वो एडिशनल है तो एडिशनल कहिए, एडिशनल 1 2 जो भी है, नहीं है तो मत कहिए कुछ। तो कॉल्स ऐसे रहेंगे 3-1 परफॉर्मिंग अ कोड 1 इन अ चार्जर 18 एडिशनल, अब जितने भी 1 2 1 नहीं है तो मत बोलो। एडिशनल को प्लस बोल रहे, प्लस 1 प्लस 2 एडिशनल 1 एडिशनल 2 जो बोलना बोलो, बस समझ में आना चाहिए कौन सा था। गॉट इट गॉट इट जी सर। किसको नहीं समझ आया फिर से पूछ। समझा, चलो कॉल बताओ। तुम चार्जर 14 में कोड 1 कर रहे हो, हमारे साथ एक प्रो हुआ है अर्जुन, तुम्हारे साथ चलो। बताओ CB2 performing a code 1 in a crown VC with plus 1. चलो तुम CB5 performing a code 1 on Surge 18 plus 1. तुम sir 342 dispatch performing a code 1 with a clown VC plus 1. Crown Vic. हाँ crown. ठीक है crown. CBPC बोल लो, चार चक्की वाली दुल्हनिया बोल लो, लेकिन बोलो। ठीक है, अब आते हैं कोड टू के। कोड टू में बेसिकली लाइट्स ऑन होते हैं। कोड टू ऑन करने के लिए आपको बेसिकली क्यू मसल करना है, तो आपका कोड टू ऑन हो जाएगा। कोड टू में आप सिग्नल्स ब्रेक कर सकते हो, बट आप स्पीड लिमिट ब्रेक नहीं कर सकते। गॉट इट गॉट इट। सिर्फ सिचुएशंस में ही कोड टू में आइएगा, विदाउट एनी सिचुएशन अगर आप कोड टू करते हुए पाए गए तो सीरियस एक्सेस हो सकते हैं आपसे। गॉट इट गॉट इट। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मेरे को पता है कि घूस यहाँ पे कोई नहीं फॉलो करता, सबको कोड टू में घूमना, मुझे भी घूमना। ठीक है got it. ये भी got it. ये देखो मैं सरकैज़म में बोल रहा हूँ, कोई मानता तुम बताओ कि देखो कोड सिग्नल फॉलो करता पुलिस ऑफिसर? नहीं ना, लेकिन तुम लोग ट्राई करो फॉलो करने का। कोड वन फॉलो करके कोड वन करते हैं कोड टू का। चलो चलो अब आते हैं कोड 3 पे। बेसिकली यहाँ पे आप दोनों चीज़ें तोड़ सकते हो। बेसिकली आप ये रिस्पॉन्ड कर रहे हो जहाँ पे आपको जल्दी पहुँचना है क्विकली,
जैसे 78 हो गया बेसिकली, 78 होता है इमरजेंसी बैकअप, या 77 हो गया बैकअप, गॉट इट, 77 नॉन इमरजेंसी, कहीं 90 हो गया स्टोर रॉबरी, बैंक रॉबरी, कोई भी है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है ASAP, तो आप कोड 3 पे शिफ्ट हो, लाइट्स ऑन, सायरन्स ऑन, यू कैन ब्रेक द स्पीड लिमिट ऑल्सो एंड द लाइट्स ऑल्सो, बेसिकली कोड 3 पे रहने का मतलब ये होता है, कोड 3 पे जाते कैसे, क्यू मसल जैसे जाएगा लाइट्स ऑन हो जाएगा, फिर ऑल्ट मसल, ठीक है, तो आप कोड 3 पे चल जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली कोड 3 ऑन करने का ये मतलब होता है कि सामने वाले बंदों को पता रहे कि व्हीकल आ रही है, तो वो लोग रुक जाएंगे बेसिकली, बीच में वो गाड़ी अपनी ला लाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कोड 6, कोड 4, कोड 5 मैं बाद में बताऊंगा, कोड 6 पहले बता रहा हूँ। कोड 6 होता है सर्चिंग द एरिया, पीछे तुम्हें भी दिख रहा है क्या? यस यस, छोड़ो डाटा। कोड 6 बेसिकली हम करते हैं सर्चिंग द एरिया, ठीक है। मान लो कहीं तुम्हारा विजुअल लॉस्ट हो गया किसी सस्पेक्ट के चेज में, तो आप उस एरिया के 500 मीटर के रेंज में कोड 6 परफॉर्म करिएगा, कोड 2 में रह के बेसिकली लाइट्स ऑन रख के आप कोड 6 परफॉर्म कीजिएगा, यानी कोड 3 पे बैठ के कोड 6 परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ओके। कोड 2 में रह के आप कोड 6 परफॉर्म करिएगा, अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उस चीज को कर दीजिएगा। कोड 4, कोड 4 बेसिकली मतलब खत्म करना, एंड सिचुएशन इज क्लियर, या सिचुएशन इज क्लियर, तो कॉल्स रहेंगे, मान लो कॉल्स क्या रहेंगे, 301 परफॉर्मिंग अ कोड 6 एट दिस लोकेशन, लोकेशन बताना है, गॉट इट, ठीक है। कैडेट है क्या? नहीं, ऑफिसर है वो सर, आई थिंक इट्स पीटर सर और शिखर सर, ऑफिसर थर्ड एनुअल, ऑफिसर, चलो कोड 4 बेसिकली क्लियर द थिंग्स, तो बेसिकली कोड 6 का कॉल मैंने बताया था, 301 परफॉर्मिंग कोड 6 एट दिस LSIA, ऐसा कॉल रहेगा, उसको कोड 4 करना है, कुछ किसी चीज़ को भी कोड 4 करना है, 90 को कोड 4 करना है, 78 को कोड 4 करना है, बेसिकली आप एंड कर रहे हो उस सिचुएशन, ठीक है, हाँ, एट इज, एट इज, तो आपका कॉल रहेगा, आपको अपने साइड से कोड 4 करना है कि पूरा आप कमांडिंग ऑफिसर हो तो पूरा सिचुएशन कोड 4 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप कमांडिंग ऑफिसर नहीं हो तो आप बोलोगे दिस इज अ 301, द 90 इज अ कोड 90, बेसिकली मैं स्टोर रॉबरी को कर रहा हूँ, ठीक है, द 90 इज अ कोड 4 फ्रॉम माय साइड, बेसिकली आप अपने साइड से कोड 4 कर रहे हो, ठीक है, ओके। किसी को कोई क्वेश्चंस कोड्स में? ना, कोड 5 होता है बेसिकली फेलिनी स्टॉप, वो करना मैं सिखाऊंगा, और कोड 7 होता है कोई अगर ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कोड 7 कह दिया तो उस एरिया में आपको नहीं दिखना है बेसिकली, लीव द एरिया बेसिकली, ठीक है, ठीक है। कोड 4 होता है तो बेसिकली आप रह सकते हो, आपको जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोड 7 में आप पे है, कमांडिंग ऑफिसर ने कह दिया तो आप लीव कर, तो मतलब डबल क्वेश्चन, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन था, हम जब गाड़ी से उतरते तो ऊपर नहीं दिखाता ना लोकेशन, गाड़ी से उतरते तो ऊपर नहीं दिखाता लोकेशन बेसिकली, आप गाड़ी से उतर गए वो रेडार में दिखता है कि नहीं, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कैसे बता दूं, आंखों में जब गाड़ी से उतरे, गाड़ी में तो लोकेशन दिखाते रहते हैं ना हम, हां आपकी लोकेशन दिखती रहेगी, हां ऊपर मतलब एरिया की हेडिंग वगैरह भी दिखती है ना कि किन से किधर हेड कर रहे हैं, वो नहीं बता रहा अपना लोकेशन, नहीं मतलब अभी जो हम इधर खड़े, हां इधर का लोकेशन ऊपर आंखों में नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है, दिख रहा है, सबका दिख रहा है मुझे रडार, रडार नहीं सर, आप जीपीएस की बात कर रहे हैं? कैसे बताऊं अभी, अरे बोल ले बाहर ही बोल ले भाई, इतना क्वालिटी नहीं, बोल लो चलो, अरे वो कह रहा है स्क्रीन पे अभी जैसे उतर गए ना हम तो नहीं दिखता ऊपर, वो कह रहा है वो, चलो वो ठीक है, हां समझ गया, तो उतना भाई याद करना पड़ेगा कौन सा एरिया ये क्या है, अच्छा ओके, अच्छा लोकेशन की बात कर रहे हो, अरे सुनो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यहाँ मैटर करता है, जितना घूमोगे जितना एरिया पहचानोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, तुम देख, तुम एरिया पे घूमोगे तुम देखोगे मेरी कौन सा एरिया, पट पट कॉल देते जाओगे, सारे कोड समझ में आ गए, अरे कैडेट्स एक एक यूनिट में बैठो और कोड 2 ऑन करो, चलो ठीक है, कोड 2 ऑन करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है, सर व्लॉगिंग कर रहा था, जा रहा हूं, तो सर छोटा सा ठीक है, उतरो बाहर, सब कोड्स बंद करके, सारे कोड्स बंद करके वो बात तुम सर करोगे, सारे कोड्स लाइन ब्लॉक, क्या हो गया रे हल्ली, ये बंदा व्लॉगिंग कर रहा है इधर, करने दो ना, छोड़ो हटाओ, अब समझ गए सारे कोड्स,
कोड 5 छोड़ के सारे कोड समझ में आ गए? यस सर। अब आते हैं 10 11 कैसे करते हैं। तो बेसिकली एक व्हीकल में कितने कैडेट्स हैं मेरे साथ? तीनों कैडेट्स बैठो आके, और हार्ली तू एक व्हीकल में बैठ, 10 11 करूंगा अपने साथ। ये डेप्यूटी को ले ले, ये तेरी गाड़ी है? मेरी कौन सी? अरे मेरी वही है। रिमोट कंट्रोल वाला मैंने समझा दिया है ना? जिसको नहीं आता है वो फेज वन में समझ जाएगा। ठीक है चलो। कोड तुमने देखा, उसने सिग्नल तोड़ दिया, तो अब तुम रेडियो पे कॉल दोगे कि अपने कॉल साइन के साथ, दिस इज 301 परफॉर्मिंग 10-11 बेसिकली ट्रैफिक स्टॉप। ठीक है, परफॉर्मिंग 10-11 ऑन अ वाइट चार्जर एट द LSIA बेसिकली लोकेशन हो गया। वाइट चार्जर बेसिकली उस गाड़ी का सस्पेक्ट हो गया। ठीक है, अब तुमको कॉल देना है कि ऑक्यूपेंट्स कितने हैं। द ऑक्यूपेंट्स आर ओनली वन, सो तुमको उसके बाद तुमको बताना है कि तुम्हें बैकअप चाहिए कि तो कॉल से ऐसा प्रॉपर्ली रहे। सर कैसे पता लगा कि कार में कितने बंदे हैं? तो आंख है ना, देख नहीं सकते हो? नहीं सर, वो तो है, तो लेकिन अगर ब्लैक विंडो और टिंट करवा रखा हो उनका पता। अरे तो तुम्हारे पास तुमको बैकअप चाहिए, मुझे थोड़ा फील आ रहा होगा कि बैकअप चाहिए। ठीक है, 77 मांगना, 78 नहीं तो तक बोली ना चाहिए, तो जान के धमकी दे दे। अब सुन, कॉल रहेंगे 301 परफॉर्मिंग 10-11 ऑन अ वाइट चार्जर, द ऑक्यूपेंट्स आर 2, नो नीड ऑफ एनी और नो नीड ऑफ एनी डिस्कस। गॉट इट सर। फिर से बता रहा हूँ, 301 परफॉर्मिंग 10-11 ऑन अ वाइट चार्जर, ऑक्यूपेंट्स आर 2, नो नीड ऑफ एनी एडिशनल्स और नीड ऑफ एनी एडिशनल्स। ओके चलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे बगल में कौन है? कॉल दो चार्जर पे, 10-11 का क्या कॉल रहा है सर? पहले अपना नाम बताना है, देन अपना कॉल साइन। हां, कॉल साइन एंड देन अपना नेम। दिस इज कॉल साइन फॉर 10-11 अ वाइट चार्जर एट प्लेसिया पेल, सॉरी प्लेसिया है ना, LSIA अ वाइट चार्जर। बोल चुके हो पहले, क्लियर बोलो। सुनो सर, थोड़ा कंफ्यूजन है बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा। फिर बोलो। 342 डिस्पैच परफॉर्मिंग अ 10-11 वाइट चार्जर ऑन अ वाइट चार्जर टू सस्पेक्ट टू ऑक्यूपाई इन रनवे हाईवे। समझ गए? बोलोगे बोलते रहोगे तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। ठीक है, अभी ठीक नहीं खुलने वाला। अब 10-11 परफॉर्म कैसे करें? ठीक है, अब लाइट्स ऑन करोगे और थोड़ा कोड 3 पे शिफ्ट हो जाओगे, उसको पता चल जाए कि हम लोग 10-11 जा रहे हैं। गॉट इट। भाई 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 बस 10-11 हो रहा है तुम मेरे। अब इसको बोलोगे सब पुल ओवर व्हीकल। अरे रुक तो, रोकेगा तब ना। सब पुल ओवर टू योर व्हीकल टू राइट साइड एंड टर्न ऑफ इंजन। राइट साइड में सुनो, हमेशा राइट साइड में रुकवाना। ठीक है? ठीक है सर। अब तुम्हारी व्हीकल्स कैसे रहेगी? तुम्हारी व्हीकल थोड़ी दूर रहेगी और लेफ्ट की साइड थोड़ी टिल्ट रहेगी। गॉट इट ऐसे समझे? तुम्हारे साथ तुम्हारा राइट अलोंग है तो वो उतरेगा, अगर तुम अकेले तो तुम उतरोगे। ऑक्यूपेंट्स अगर अकेला है तो कोई हाथ में कोई चीज नहीं रहेगा, लेकिन तुमको लगता है तुम्हारी जान को खतरा है या टेजर हाथ में रख लेना। टेजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गन हाथ में लेके जाओगे तो सामने वाले दिल पे ले लेते हैं। समझ गया। ठीक है, अब मेरे साथ आओ तुम लोग। अरे ये क्या निकाल रहा हूँ भाई, दंगे हो जाएंगे इससे। रुक जा, मान लो तुमको टेजर्स निकाल लो मेरे साथ। वैसे दंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना मास्क है कि नहीं। ठीक है, मास्क पहना होगा तो पहले मास्क उतरवाना। बोलना सर आपसे बात में तभी करूँगा जब आप मास्क उतारोगे। अगर मास्क उतारता है सामने वाले उतार ही लेते हैं, नहीं उतारता है तो बोला डटे रहना और क्या। ठीक है, ऐसे तो बोलेगा तो साला उतारते ही नहीं चुती है। हाँ, अब मास्क उतारेगा तो तुमको अपने बारे में बताना है, किस डिपार्टमेंट से हो वो भी बताना है। तो सर दिस इज अ 301 चुलबुल पांडे फ्रॉम द BCSO डिपार्टमेंट, ऐसे तुम्हें बताना। ठीक है? ओके ओके।
लाइक मास्क देखो जैसे इसने मास्क पहन लिया अभी ठीक है सो प्लीज रिमूव योर मास्क सर हेलो मास्क उतर गया सो दिस इज 301 चुलबुल पांडे फ्रॉम द बीसीएसओ डिपार्टमेंट आपको पता है हमने आपको क्यों रखा है नहीं सो बेसिकली आपने यहां पे रीजन स्क्वायर के पास रेड सिग्नल जंप किया है एंड यू आर ओवर स्पीडिंग आल्सो कैन आई नो व्हाई सुनो यहां पे थोड़ा सा दिखाने के लिए यू कैन डू वन थिंग स्लैशी स्पेस नोट क्या करना था स्लैशी नोटपैड तुमको नहीं मैं ये बेसिकली ऐसे हो जाता है ठीक है अब बात ऐसी है सर आपने रेड सिग्नल जंप किया है एंड यू ओवर स्पीडिंग अ लिटिल बिट ठीक है ओके और कैन आई शो मी योर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन नहीं है सर लाइसेंस भी नहीं है सही में नहीं है और सारे लोग लाइसेंस ढूंढ रहे हैं अब मान लो सामने वाले के पास लाइसेंस है तो ठीक है अब बोलता है सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी मेरी है तो उसकी आईडी मांगना और रजिस्ट्रेशन बेसिकली हमें खुद चेक करना होता है ऐसे आके फोन में आप लोग एप्लीकेशन होगा एमडीटी करके खोल कर देखिए और वो एमडीटी करके पुलिस करके होगा फोन है सबको दिखा शायद अभी यूज नहीं हो रहा ना अरे हो रहा है तुम उसको डिलीट करके वापस इंस्टॉल करो अभी सर ओनर ने इंस्टॉल किया था अच्छा हो डिलीट करके वापस इंस्टॉल हो रहा है अब ओनर का नाम है रोहित वेस्ट सुनो अब फोन खोल के स्कैन मारना नाम तुम्हें पता चल गया उसे बताना नहीं है ठीक है मान लो उस पे आईडी लाइसेंस दोनों तुम्हें नाम पता चल अब ये बोलेगा कि सर मेरे फूफा की गाड़ी है दादा की गाड़ी है चाचा की गाड़ी है तो पूछना सर नाम बताइए किसके नाम पे रजिस्टर वो सही बताता है तो ठीक है फाइन वाइन काट के जितना बनता है $500 विदाउट लाइसेंस एंड $500 ओवर स्पीडिंग का ये दोनों फाइन काटना ठीक है और जाने देना अगली बार फिर तुमको ये मिलता है विदाउट लाइसेंस एंड विदाउट एंड आईडी तो तुम लोग को हजार का काटना गॉट इट तुम्हारे पे डिपेंडेड है कि तुम लोग छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो ठीक है तुम चाहोगे तो उसको उसके पास व्हीकल नाम सही बोल दिया उसने गाड़ी के जिस पर रजिस्टर है लेकिन उस पर लाइसेंस भी नहीं है तो तुम उसको उतार के गाड़ी डिपो कर सकते हो बेसिकली डिपो रिपाउंड डिफरेंस होता है डिपो करोगे तो वो जाके निकाल सकता है अपने से फाइन पे करके रिपाउंड होता है तुम ऑफिसर्स ही निकाल के देंगे गॉट इट समझ गया तो ऐसे करना है सर आप पे लाइसेंस नहीं है और किसके नाम पे गाड़ी है सर रोहित वेस्ट ओके और कंफर्म कर लेना जाके 28 कहते हैं इसे बेसिकली नंबर प्लेट स्कैन करने को 28 परफॉर्म करना नाम मैच कर जाता है तो सर आपके पास लाइसेंस नहीं एंड यू आर ओवर स्पीडिंग एंड द सिग्नल रेंज जब किया तो सर इट विल बी द $1500 फाइन नहीं दे रहा सर खूब ही बदनाम कर दूंगा आपकी नहीं ऐसे नहीं करना डिसरिस्पेक्ट कभी मत करना ठीक है ठीक है वो गाली साहब से भी देते हैं तो नहीं करना ठीक तो $1500 वो फाइन है पे करता है तो ठीक है मान लो नहीं कर कर ही देगा यार समझ रहे हो ना $1500 तो सारा चने चबा जाता है तो जबरदस्ती भी तो होता है ना बोल 400 तो जबरदस्ती हो जाता है अब तो अपने आप कट जाता है फाइन कट जाता है लेकिन पहले वो एक्सेप्ट कहेगा तब ना विदाउट उसके कंसल्ट का तुम नहीं काट सकते चल ठीक है अब ये फाइन दे दिया इसने ठीक है अब ये तुमको बोलोगे कि सर ठीक है मेरी जब वो लाइट्स ऑफ होंगी तब अब जाना ठीक है वैसे आके वापस व्हीकल में बैठो लाइट्स ऑफ कर दो लाइट्स ऑफ अब हो जाएगा जब तक तुम्हारा विजुअल लॉस नहीं होता उससे तब तक तुमको कोड फोर नहीं करना है गॉट इट मान लो फिर सिग्नल तोड़ देता जैसे ही कोड फोर मतलब जैसे ही तुमने उसका फाइन काटा फिर सिग्नल तोड़ दिया तो जाने देना ऐसा नहीं कि साला फिर पीछे पड़ जाना समझ गया अब वो विजुअल लॉस हो 301 द चैनल 11 एट द एलएसआई इज अ कोड फोर बैक टू कोड वन कॉल समझ में आया ओके समझ गया किसको ये 1011 नहीं समझ में आया अच्छा एलएसआई क्या है अच्छा लॉस एंजेलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हार्डली जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी वापस जब सिचुएशन क्लियर था तब भी लोकेशन बोलना पड़ता है ना नहीं नहीं ज़रूरत नहीं बोल दो बेसिकली 301 कहाँ पे तुमने कोड फोर किया वो जाना ज़रूरी है बेसिकली अपना कॉल सेंटर बोलना 301 द 1011 एट द LSIE इज अ कोड फोर ठीक है कोड फोर बेसिकली क्लियर अब बैक टू कोड वन बोलना है बेसिकली क्योंकि आप वापस कोड वन पे आ गए मतलब फिर पेट्रोलिंग कर रहे हो ओके हार्डली हाँ वहीं पे हूँ अरे
नहीं यार जहाँ पे व्हीकल्स थी वहाँ पे आओ ना। एक मिनट कोड्स ऑन कर दो। इतनी रहा क्या? सबसे आसान यही। अब आते एटी एटी पे बेसिकली तीन से चार यूनिट ठीक है। एटी बाद में करेंगे वरना व्हीकल्स की गंडी बना जाएगी। सुनो पहले करते हैं कोड। कोड फाइव बेसिकली होता है फेरिन स्टॉप हाई रेटेड क्रिमिनल्स के लिए। ये हम स्टॉप करते हैं बेसिकली ये क्रिमिनल्स पे होता है। Okay. ये आप कब कर सकते हो? किसी पे वारंट इशू और आपके पास एविडेंस है कि ये बंदा इसी गाड़ी में घूम रहा है आप कंफर्म हो तो ये कैन परफॉर्म अ फेलन स्टॉप। ठीक है मान लो किसी पे गोली चलाई वो बंदा अपने आप को सरेंडर करना चाह रहा है पहले भागा फिर वो सरेंडर करना चाहता है तो आप 10-11 जैसा नहीं करोगे उसको फेलन स्टॉप करके अरेस्ट करोगे। गॉट इट? करते कैसे है वो समझाना। मेरे को ना तीनों व्हीकल्स की चाबी दे दो। इस व्हीकल की चाबी तो किसकी है? ये मेरी है। गिव किस करना मैं बैठ रहा हूं। बैठो बैठो तुम बैठो ड्राइविंग सीट पे बैठो। गिव किस करोगी प्लीज? आई वो गाड़ी ऑफिसर गिव किस खाली गाड़ी आगे लगा लिया बीच वाली गाड़ी के आगे लगा के लगा मेरी गाड़ी गायब मेरी गाड़ी गायब हो गई। ये बीच वाली जो वाइट चार्जर है ना इसके में हां बस वहीं पे रहने दे वहीं पे रहने दे वहीं वहीं पे रहने दे स्ट्रेट रख हां बस वैसे ही ऑफिसर्स मेरी यूनिट में बैठो बैठो। पहले नहीं स्टॉप करते कैसे हैं बेसिकली ऐसा रहता है एरो शिफ्ट का। अरे पीछे वाले वी चार्जर में मेरी जान बीच चार्जर में सफेद वाली में भाई। हां ठीक है चलो कोड 5 बेसिकली कैसे कहते हैं बीच वाली जो यूनिट होगी कोड 3 पे रहेगी। ठीक है ठीक है उसका ऐसे रहेगा। ठीक है ठीक है थोड़ा दूर रखना मेंटेन रखना डिस्टेंस। ठीक है ओके इतना मेंटेन मेंटेन रखना ये कोड 3 पे रहेगी। अब बाकी की अगल-बगल जो दो यूनिट्स है एरो टाइप की रहेंगी बेसिकली। एरो का मींस ऐसा है बाकी दोनों यूनिट कोड 2 पर रहेगी। अब करना क्या है बाहर उतरोगे और गन निकालोगे क्लास 2 क्लास 3 जो अलॉटेड है। ठीक है वो रुक गया ना तो कोड 3 बंद कर देना कोड 2 कराना। उतर के अब गन निकालना। ठीक है अब उस पे एम करना। तो अब तुम सारे कैडेट्स उतरो अगल बगल वाले गाड़ी में बैठ जाओ जाके। ड्राइविंग सीट पे बैठ जाइए गाड़ी आगे पीछे मत कीजिएगा। उतरिए सारे कैंडिडेट्स उतरिए गन हाथ में एम कीजिए उस पर। देन ओके अब देखना कैसे कर रहा हूँ। सर दिस इज बीसीएसओ दिस इज अ 301 सिल्वर पॉइंटर फ्रॉम द बीसीएसओ डिपार्टमेंट स्टेप आउट ऑफ योर व्हीकल एंड हैंड्स इन द एयर और लुक विथ योर आईज एंड डोंट लुक एट मी Look with your eyes and come backwards. अरे वो कैसे होता है? अरे V muscle वाला रे। Okay. हाथ ऊपर कर पीछे आओ। सर पीछे आइए। Hold. And yep. Officer to the my right side. The go come. Then go. To my right side. Only one officer. Search him for the lethals and take his lethals. लेना मत मतलब बस समझा रहा हूँ। लीथल्स मान लो तुमने लीथल्स ले लिया अब उसको गाड़ी में डालो अपनी अपनी यूनिट में डालो। Put him in your unit. I have to give him in the right side.
ये जब कोड फोर हो जाएगा ना तो आराम से सुना देना। ओके ओके पुट हिम इन योर यूनिट। अब मान लो दूसरे सस्पेक्ट भी जो होंगे ना बारी बारी निकाल के करना है, ऐसे नहीं कि सारे सस्पेक्ट बाहर निकल जाए एक ही बार में और तुम लोग एक ही बार अरेस्ट कर दो, बारी बारी निकालना है ठीक है। F1 muscle interaction and put in vehicle होगा officer। अब सुनो अब क्या करना है, मान लो सारे suspects चले गए, officer to my left go and search the vehicle trunk and the glove box everything। अब सीन ऐसा है मान लो फेलिनी स्टॉप कर रहे हो अभी तो उसने गोली नहीं चलाई, मान लो तुम पे गोली चलाता है उसके हाथ में जैसे ही गन आता है तो यू हैव द अथॉरिटी टू शूट हिम डाउन, गॉट इट? देन फॉर समझ गए कोड 5 कैसे करते हैं। देन फॉर सर अब कोड 5 करना है हमें लाइव ठीक है, ये सब समझ गए ना। okay. मैं जैसे जैसे बोलूंगा ऐसे करना है, हार्डली गाड़ी चली तेरे में कोड 5 होगा क्या मतलब मेरे को गोली पड़ेगी नहीं पड़ेगी, गाड़ी पे अगर कुछ मिला तो और अपने पास रखे रहिए, उसके बाद जब ये कोड 4 होता है तो मेरे डायरेक्ट सुनाइए और कमांडिंग ऑफिसर को दे दीजिए जो जो सामान मिलेगा। गॉट इट? तो अपने यूनिट्स में बैठिए, पहले नहीं स्टॉप करेंगे हम, और जैसे व्हीकल्स लगी थी ना वैसे ऑटोमेटिकली लगा देना, बोलना ना पड़ेगी कैसे लगाना। चलो चलो हल्ली जा तेरे पे करेंगे अपन तब। अच्छा अभी तो नहीं है इसकी है, इसकी है वो व्हीकल मेरी है। अरे अरे जिसकी है दे दो तो उसी के साथ बैठ जाओ। नहीं नहीं दे दो चाबी दे दो उसको। अरे उसको चाबी दो यार, चाबी दे दो उसको। How many candidates are there? 3 ki 4? 3 candidates, right. So, suno, early. Apni unit ek candidate ko de do, tino candidate up karenge code 5 mere pe, theek hai? Dekhta ho kaise karte hai. Theek hai. Then, bro. Kaun lena chahega tino candidates? Batao. I want to be the commanding officer. Tim. Tim Patel. Achha, Arjit Patel, you are the commanding officer for the code 5. Tino candidates ke calls pe chalenge, theek hai? कॉल दे सकते हो कि कौन यूनिट एलएसपी डिलीवरी वाली यूनिट लेफ्ट साइड से आप पहले नहीं कीजिए, राइट और शरीफ वाली डिलीवरी वाली राइट साइड से कीजिए। गॉट इट? टेन फोर चलिए आप कोड 5 परफॉर्म कीजिएगा मेरे पे, रोकने के लिए मुझे कोड 3 कर दीजिए। ये पहले कॉल दीजिएगा कि आई हैव अ विजुअल ऑन डॉज वाइट ऑन द सस्पेक्ट, आई वांट द SPD unit to come from the left and... No, no, hold on, hold those calls. Code 3 band rakhi saare. Code 3 band. Call dena hai. This is 301 Chulbul Pandey. I have the visual on that vehicle. Performing a code 5, need a 78 ASAP. Okay, got it. This is CB2 performing a code 5 on a Dodge. I need a 78 ASAP. The 20, aise kar dena, 20 is LSI hai. ओके मैं 20 इज एलएसआई है ठीक है। मान लो ये तुम्हारी बैकअप आ गई ठीक है, ये मैं रुका हुआ हूं तुमने कोड 3 परफॉर्म करके मुझे रोक दिया, तू बैकअप का वेट कर रहे हो ठीक है। सारे जो अगल-बगल के दोनों यूनिट्स है ना आप ऐसे आइए जैसे आप बैकअप आ रहा है ठीक है, दोनों अलग-अलग हो जाइए, आप दोनों पीछे चले जाइए। हां वो येलो प्लेन से हो गया ये, आप मेरे पे कोड 3 परफॉर्म करके रोकिएगा मुझे ठीक है, बीच वाली यूनिट जो है मुझे। CB2 to dispatch performing a code 5 on a white charger, I need 78 on my 20 ASAP. My 20 is LSIA. Tempo. 76 volt ka agar. Thoda door se help kar. Bhai wo criminal itna pass ghusoge bhar dega aap piche thoda. चलो बढ़िया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है, तुम लोगों ने सही रखा है। बीच वाली यूनिट ही कोड 3 पे रहेगी, बाकी अगल बगल कोड 2 ठीक है। अब रुक गया हूँ मैं, तुम्हारे बैकअप आ गए, अब तुम भी कोड 2 पे शिफ्ट हो सकते हो। गॉट इट ठीक है। अब चलो तुमको समझ में आता है क्या करना,
All units get out of your vehicle and point your gun towards the suspect. अब मेरे से तुम बात कर रहे हो, मेरे से तुम रेडियो पे बात नहीं कर सकते, तो शॉर्टिंग पे करके चिल्लाना मेरे को। आवाज नहीं आ रही, शॉर्टिंग पे हो तुम? हेलो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सस्पेक्ट, दिस इज ऑफिसर्स CB2 कैडेट अर्जुन पटेल, प्लीज गेट आउट ऑफ योर व्हीकल। So you have a criminal, please get out of your vehicle. बोलो, नहीं ये बताना नहीं क्या क्या बोलना कि सर we are demanding you to please step out of your vehicle. This is an order. Okay then. Sir, we are demanding you to get out of your vehicle. Please get out of your vehicle. It's an order. Hands in the air. I want your hands in the air. Do not move back. I want your hands in the air. Do not face towards me. Turn around. Okay, move back, your back should be towards me. Come towards me with your back towards me. Yes, come. Officer on my right, I want you to cuff him right now. Officer on my right, Vicky Chaudhary, please cuff him. Officer on my left, I want you to go and search the vehicle, search the glove box. And sir, what have you done? तू मेरे को सर्च करके मेरा लीथल लोगे, ठीक है? मत लेना। अब मेरे को व्हीकल पे डाल दो बस, और ऐसे सर्च करके कोड फोर कर देना, गॉट इट? अब गाड़ी के अंदर मिंडर राइट सुनाना होना सुनाना। अब मेरे को अनकफ करो और इसको कोड फोर करो, और डिपो विपो सब कर देना व्हीकल याद से, ठीक है? इंपाउंड करोगे ना प्लीज, तेरी शॉप से। चल सर, डिस्पैच द लेटेस्ट कोड 5 इन कोड 4 परफॉर्म नाउ कंटिन्यूइंग कोड 1। नहीं भाई, 76 19 सेल्स में जाओगे, 19 ले जाओगे ना, 16 ले जाओगे वो तो ये विकी चौधरी लेके जाएगा ना। नहीं, आप तीनों यूनिट्स सुनिए, किसी भी सस्पेक्ट को आप ले जाएगा तो सिर्फ एक यूनिट तो आपके साथ जाएगी नहीं। ओके, तो तीन यूनिट जाएंगे। गॉट इट। चलिए, आप बेसिकली फ्रेंडली टॉक कैसे करते, समझ गए ना? समझ गया सर। कैसा लगा? बढ़िया लगा, स्वाद आ गया सर। करने को ऐसे मिलेगा नहीं कभी शायद। हां, करने को मिलेगा, मिलता इसीलिए नहीं क्योंकि आता नहीं करने। अब तुम लोग आ गए हो तो तुम मान लो, तुम लोगों को तो समझा दिया मैंने कैसे। सॉरी, ठीक है। अब 80, अब सुनो, ये मजा आएगा ये करने, मगर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अब सुनो, चीज बेसिकली जब भी 80 पॉपअप होता है, एडिशनल्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन होते हैं, ठीक है? गॉट इट। तो मान लो कि एक व्हीकल में बैठो, हार्डली तू चेस, हार्डली तू हार्ड, मैं तेरे को चेस दूंगा। नहीं, मैं दूंगा तेरे को। ऑब्वियसली मेरे व्हीकल्स में, मेरे व्हीकल्स सर। नहीं, सारे सारे अपने यूनिट्स में बैठो, सारे यूनिट्स में बैठो। हार्डली डू वन थिंग, हार्डली गिव वन कैंडिडेट टू योर व्हीकल टू ओवरटेक। सुनो, ऑब्वियसली सीन ऐसा है, प्राइमरी यूनिट कोड 3 पे रहती है, बाकी जितनी पीछे यूनिट है ना कोड 2 पे रहेगी। गॉट इट? टेन प्रो। अब सीन ऐसा है कि प्राइमरी यूनिट के साथ राइड अलोंग है तो वो कॉल देगा, ठीक है? अगर नहीं है तो कॉल्स पीछे वाली यूनिट का ड्राइवर देगा या उसका राइड अलोंग देगा। गॉट इट? गॉट इट। अभी कॉल्स पे ध्यान नहीं देते, चेस पे ध्यान देते। तो जैसे कि तुम दोनों जाओ वापस येलो प्लेन पे जाओ, पीछे दो जो यूनिट ना हेलो, तुम यहीं पे रहना, मेरे को देखोगे मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ, मेरे पीछे चालू कर देना और बैकअप मंगा देना, ठीक है? पहले तुम ट्राई करना 10-11 परफॉर्म करने का, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा तो बैकअप बोलना कि द 11 इज कन्वर्टेड इनटू 80, नीड अ बैकअप, नीड अ 77-78। चलो ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं भगाऊंगा थोड़ी स्पीड में। ऑफिसर जो येलो एरोप्लेन में है, बस रेडी रहेगा बैकअप के लिए आप लोग, ठीक है? फिर मैं तुम्हारे स्पीड में भगाया मैं, अब मेरे तुम ट्राई करो मेरे पे कोड 10 लाइन परफॉर्म करने का, कुछ भी रहो मेरे पीछे। CB2 to dispatch performing a code 11. अरे 10-11. 10-11 on a white charger. No additional units required for now. Location कौन बोलेगा? My 20 is LSIA. ठीक है, अब तुम ट्राई करो कोड 3 पे मेरे को रोकने का। अब तुम ट्राई करो, एक मिनट तक देखो कि ये रुक रहा है नहीं रुक रहा है, तो कॉल रहेगा 11 10 11 turns into 80. Need a backup your 77. ठीक है।
मैं नहीं रुक रहा हूँ, तुम देख लिए मैं नहीं रुक रहा, मैं चेज देना चालू करते कॉल दो. 11 converted into 80. Dispatch, the latest 11 has been converted to 80. I need 78 on my 20. 77. अब सुनो, जो प्राइमरी तो प्राइमरी पे रहेगी, अब तुम दोनों अपने में देखते ना कौन सेकेंडरी, जो सेकेंडरी ले लिया टर्शियरी सेकेंडरी के लिए मत जाना. अब सीन ऐसा है, थोड़ा एक राउंड मार लेते हैं तब मैं समझाऊंगा, ऐसे चलाते रहो. आई थिंक दो यूनिट फोर थ्री पे, मैंने बोला प्राइमरी से मेरे पीछे जो यूनिट है ना वही प्राइमरी पे, जो यूनिट सबसे आगे है वही सायरन ऑन करेगी, बाकी सब सिर्फ लाइट्स ऑन करेंगे. मेरी ऑफिस. चलो ठीक है, अब सुनो, अब मान लो प्राइमरी, मान लो टर्शरी यूनिट को सेकेंडरी लेना है, ठीक है, या सेकेंडरी यूनिट को प्राइमरी लेना है, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, टर्शरी मतलब तीसरा, ठीक है. तो वो रिक्वेस्ट करेगा सेकेंडरी यूनिट को प्राइमरी लेना है, तो बोलना डायरेक्ट टू प्राइमरी यूनिट, कैन आई टेक प्राइमरी, तो वो तुमको कॉल देगा कि या टेक लेफ्ट, या तो वो बोलेगा 10-10 मतलब नो, अगर वो तुमको अलाउ करेगा तो बोलेगा टेक प्राइमरी फ्रॉम द लेफ्ट साइड या राइट साइड, गॉट इट. तो बेसिकली चेस चालू रखो, सेकेंडरी यूनिट को प्राइमरी लेना है, तो कॉल दे के लेना, ठीक है. चलो चेस चालू हो रहा है, तो सेकेंडरी यूनिट एलएसपीडी यूनिट रहेगी, सेकेंडरी एलएसपीडी वाली रहेगी, शेरिफ वाली जो है अच्छे रहना. हाँ ठीक है, चलो मांगो सेकेंडरी यूनिट प्राइमरी मांगो. हेलो, कौन है सेकेंडरी में? ओके ओके, चलो चलो करता हूँ. मांगना प्राइमरी सेकेंडरी यूनिट रिक्वेस्टिंग टू प्राइमरी फ्रॉम योर राइट. 10-4 गो अहेड. अब ये अब जो प्राइमरी था ना वो 4-2 पे हो जाएगा, और जो नया प्राइमरी बना वो 4-3 पे शिफ्ट हो जाएगा, गॉट इट. 10-4. अब टर्शियरी तुम रिक्वेस्ट करो फॉर द सेकेंडरी. हेलो, जो सबसे पीछे वाली यूनिट है ना सेकेंडरी के लिए रिक्वेस्ट कीजिए. आवाज आ रही है, कौन है पीछे सबसे? विकी. विकी हट गया. काला जादू सर, काला जादू, काला जादू, काला. फ्यूल बहुत लो है. सब आके मेरे व्हीकल पे बैठ जाओ, सारे कैडेट्स मेरे व्हीकल पे बैठ जाओ, सर खाली ड्राइविंग सीट पकड़. सुनो, अब मैं समझाऊंगा पिट कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है. पिट बेसिकली तब करते हैं, परस्यूट इंटरवेंशन टेक्निक होता है, ठीक है? करते तब है जब सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है या बहुत रेकलेसली ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है? इसे तुम्हें कंट्रोल करना ही पड़ेगा पिट मार को. कहाँ नहीं मार सकते ये बता दो, सिटी एरिया में नहीं मार सकते, सिटी एरिया में तब मारते हैं. कर लो ऑटोमेट, तब तक मैं समझा रहा हूँ. सुनो, बेसिकली पिट तब मारते हैं, सिटी में नहीं मारते बेसिकली. कब मार सकते सिटी में? जब कमांडिंग ऑफिसर का ऑथराइजेशन हो,
और वो ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है और बहुत रेकलेसली ड्राइविंग कर रहा है सिटी में, ठीक है? ठीक है। और जब पिट मारोगे सिटी में तो देखना एरिया क्लियर हो और दो लेन हो, ठीक है? दो लेन समझो, दो रोड आने और जाने, सिर्फ एक रोड पे नहीं मारना, ठीक है? ऑफ रोड पे नहीं पिट मारते, ऑफ रोड पे कुछ भी नहीं मारते, टर्निंग पे पिट नहीं मारते, ठीक है? ठीक है। और बारिश हो रही हो तो नहीं मारते। ओके। सिटी एरिया में 80 माइल्स पर आवर है तब पिट मार सकते हो, ये भी देखना पिट मारने से पहले कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है? ठीक है। और सिटी और हाईवे एरिया में 120, गॉट इट? उससे एक्सीड है तो मत मारना, मर जाएगा। ओके। मारते कैसे दिखाते हैं, हार्डली बोल, हार्डली 70 से ऊपर हो जाना। 10 4 अब 301 requesting to the commanding officer or the ED for the pit. Hardly maale tu hi commanding officer hai, mere ko authorize de. Hey, hardly. 10-4 required. 10-4. Ab ye turn le raha, main nahi maarta. Ab state road ka wait karunga. Ab dekh, state road pe hai. Ab tum na try karna ki gaadi tak na tum pehle hi pehle se ghuma dena. Aise aise ghuma dena. अरे नंबर ठीक हो गया, अब नहीं होगा, मारने पड़ेगा, ठीक हो गया। हां हां, देखो 491 लिख कर आया ना पीछे गाड़ी के, वहां पे मारना, वहां पे ऐसे करके बड़ा, नहीं भाई नहीं हुआ, पिट मार, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके ओके, थोड़ा दूर ट्राई करो, घुमा 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 घुमा। हां सीधा चल, जल्दी चल, सुनो गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए, नंबर प्लेट के साइड से ऐसे घुमा देना, ठीक है? ठीक है। ये अरे अरे कार्ड है, समझ गया ना तू? ऊपर और ऊपर और दिखा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, एग्जैक्ट उस जगह पे लगता ही नहीं है। चलो भगा तेरे, ये फिक्स हो गया सर। देखो लग गया ना, देख गया ना, अगर गाड़ी पूरी गोल घूम गई मतलब पिट सक्सेसफुल, समझे? अभी एक पिट देने के बाद 3 मिनट 2 मिनट चेज दो, फिर रिक्वेस्ट करो, धुआं देने लग रही, पिट देने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक कैसे करते हैं? मान लो चेस चल रही है और सबसे पीछे जो तीसरा यूनिट है वो जान रहा है कि ये बंदा घूम के इस एरिया में आ रहा है, ठीक है? रैली घूम के ना, रोड बदल के ना, इसी एरिया में आना, मैं जा पे हूं, देखो वो बदल लिया, अब मैं देख लिया कि साला यहीं से आ रहा है, तो अपना कॉल देके 31 गोइंग फॉर अ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक में करें, स्टैटिक ब्लॉक में आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हो वहीं पे रहना है, लड़ेगा तो ठीक है, ऐसे नहीं कि आ रहे उस साइड सारा, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, नहीं, स्टैटिक ब्लॉक मतलब एक जगह खड़े रहना है, और जैसे ही सारी यूनिट चल जाती है शुरू, सस्पेक्ट जाएगा तो आपको नहीं आगे पीछे लेना है, सारी यूनिट चल जाती है जो उसके चेज में लगी है तब आप चेज ज्वाइन करोगे, गॉट इट? गॉट इट। चलिए कांग्रेचुलेशन, आपका कंप्लीट हो गया, ये मजा आ गया सर, स्वाद आ गया। पेट्रोल किसमें है? अरे इसमें है, साथ साथ इसको डिपोर्ट कर दूंगा, कर दो, ऐसे भी कहीं जाने वाली रुक, सुनो डिपोर्ट इंपोर्ट समझ के हो ना तुम? यस। इंपाउंड बिना किसी के परमिशन के मत करना, सुनो इंपाउंड तुम लोग जब ऑफिसर बन जाओगे ना तब करना, ठीक है? अभी ट्रेन मत करना। चलो ऑफिसर्स आपकी ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो गई, कैंडिडेट से सबका नाम नोट हो गया ना, सबने जनरल पे अटैक कर दिया ना मुझे? यस। अरे रास्ता किधर से था? अरे यहाँ से, आप मेरे को फॉलो कर, डायरेक्टर चल बोल सर। टेंथ वो व्हाट्स योर 20? आई एम एट LSA करेंटली 76-9। पीटर पार्कर दिस साइड। द ट्रेनिंग फेज ऑफ 3 इज कंप्लीटेड। ओके ऑफिसर स्विच टू रेडियो 1।
पे है। Responding to latest 10:40. डालो इधर डालो, अच्छा है उसमें, डाल दो इसमें, डाल दो तुम जाओ छोड़ो। Responding to latest 13. So I have eyes on one AMG and one Thar or some other car. 878 है सर। एयर लीजन। हेलो 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 सर हेलो। अरे बच्चे। पुलिस सर मेरे फ्रेंड को बचा लो, एक एक मेरे फ्रेंड को बचा लो। क्या होगा बेटा? पता नहीं एक फ्रेंड को तंग कर रहे कुछ बंदे। बैठू कौन क्या? है हमें बताओ कौन है, हम ठोकेंगे उसे। सीनियर ऑफिसर पुलिस अंकल को ले जाऊंगा मैं। अरे आज तुम्हारा चेकअप करवा दो, आ जाओ। बेटा सर व्हाट्सएप पे आईडी हां नियर लीजन 76। और डायरेक्ट चलूं सर? Follow the AMG. Performing a 80 on AMG. Hi. You need additionals. 10-10. 10-4. अरे सर 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 सर। मेरे दोस्त को कुछ बंदे परेशान करे, चलो ना। 911 कर दो, आ जाएंगे। मुझे 19 कर दो, थोड़ी देर के लिए। एक सेकंड उनको आने दो। ओके ओके थैंक यू बाय बाय। लेटर ड्रॉप करने दो यार। साइड लगा देता हूँ। ये होता है कोड 3 पे आप ज्यादा स्पीड ओवर की गाड़ी चलाते हैं। क्या मतलब ड्राइव? अरे तीनों, अरे सुनो ना, कैडेट्स कितने हैं? सारे चले गए क्या? 90 पे है वो तो। जॉनी performing 80 on a G-Wagon. अभी क्यों उनको बुला रहे हैं? एक चीज समझाना भूल गया। 19 डोर ग्रैच बोलो। 10-4-76 बेटा सर वॉक शॉट 80। वैसे पर फ्यूल भी खत्म हो गया था, नहीं जा पाते। चलो ट्रिपल बॉक्स। 10-4 3-1 डायरेक्ट टू अर्जुन विक्की एंड विल्सन 25 me at the lower garage. 10-4 sir. I think they are going to do code red because they are near clothing store. Need 78 hey, sir. 10-4-76 sir. मुझे एक काम करो सर, मुझे समझा दो, मुझे थोड़ा टाइम के लिए टेंशन में जाना है। बार कर सर, चलो फेस 4 पे कर दूंगा इसको, चलो लेट्स गो। नहीं सर, ओके 10-10 द मिड ना 25 कॉल्स। पार्कर सर 20 सी वी आर गोइंग फॉर 10-7 फॉर अ व्हाइल। ऑफिसर वेयर डू यू नीड द 78? व्हाट इज द 20? चेक माय ट्रैकर, नीड 77 राइट नाउ। चेक माय ट्रैकर, व्हाट इज योर लैंडमार्क? I'm near pillbox, sir. Old or new? Call sign 316.
I'm there. Performing 80 on that G wagon, heading westbound Grove Street, taking a left toward tool store.